हाँ जी दोस्तों, द फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूँ एकता अरोड़ा। तो आज हम पहुँचे हुए हैं डेरा सच्चा सौदा की जो ब्रांच है एक गाजियाबाद में, वहाँ पे आज बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हमें देखने को मिल रहा है। ये लोग आज भी डेरा में वह गुरुजी पे अपनी आस्था बनाए हुए हैं। क्या कहना है इन लोगों का गुरुजी के बारे में, लाइव बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आज भी आप डेरा आए हो, कितने लंबे अरसे से गुरुजी को मान रहे हो? हम 2003 से गुरुजी से जुड़े हैं। इतना लंबा अर्शा, आपको गुरुजी पे विश्वास ऐसे भी ऐसे ही है अब भी, आज भी वो आपके बीच में नहीं है? जैसे पहले था वैसे आज भी है। क्यों है आपको आस्था, किस बेस पे आपका ये विश्वास आज भी जुड़ा हुआ है? गुरुजी हमें हमेशा अच्छा रास्ता दिखाए हैं, अच्छा दिखाते हैं और अच्छा दिखाते रहेंगे, और आज से हमेशा उनसे जुड़े रहेंगे। आपका ये विश्वास, आपकी आस्था का क्या रीज़न है कि आप डेरा पे आज भी गुरुजी पे विश्वास बनाए हुए? क्या करते हो आप लोग, क्या सीखा है आपने गुरुजी ने? हमें अच्छा रास्ता मतलब सिखाया, चलना, लोगों की मदद करना, लोगों को भला करना, कभी गलत काम नहीं सिखाया। ऐसा हमें कहीं ऐसा सीखने को नहीं मिला, और हम ऐसी अच्छी बातें यहाँ मिलती हमें सीखने को, लोगों को भला करो, मानवता भलाई की सेवा करो, और इससे क्या और क्या चाहिए बताइए। मानवता भलाई की क्या सेवा करते हो आप? मानवता, लोगों को जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, किसी कोई दिक्कत होगी हॉस्पिटल पहुँचाना, कोई जिस लायक हैं उसकी मदद करते हैं, लोगों को भला करते हैं जैसे भी हो सकता है। कोई अपंग है, अपाहिज है, उसकी हेल्प करना, कोई कपड़े जिसके पास कपड़े लस्ते नहीं उसके कपड़े देना, और खाना पीना हर तरह की सेवा जैसे हमसे हो सकती है गुरुजी के जो हमसे करवाते हैं हम कर लेते हैं उनके उनकी कृपा से। तो कहा जाता है कि डेरा में अनपढ़ लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं आता है, आप इसके बारे में क्या कहोगे? डेरा में एक से एक अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, यहाँ तो वकील जज तक आते हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो अनपढ़ गंवा रहे, हम क्या है। तो आप क्या अपील करना चाहोगे सरकार को, क्या कहना चाहोगे गुरुजी के लिए? हम तो यही सरकार से अरदास गुजारिश करेंगे कि जो है सिरसा में अच्छे कार्य सिखाए जाते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता, मानवता भलाई के कार्य होते हैं। यहाँ तो उन्हें खामखा पर बदनाम किया जा रहा, और वो मतलब वो गलत किया जा रहा, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन लोगों की अपील, इन लोगों की आस्था विश्वास, इन लोगों का जो कार्य है मानवता भलाई के आज भी वैसे चल रहे हैं, आपका क्या कहना है गुरुजी व इन लोगों के बारे में? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। धन्यवाद।